गुड इवनिंग स्टूडेंट, वेलकम टू ए स्टडी पावर्ड बाय श्रीवास्तव क्लासेस। सबको आवाज सुनाई दे रहा है? यस सर, यस सर, यस सर। चलो ठीक है, यहाँ पे देखो कुछ क्वेश्चंस दिया हुआ था बनाने के लिए, किससे किससे बन गया, सब बन गया? किससे किससे बन गया, किसको किसको प्रॉब्लम है, बना कि नहीं बना? अरे बोलो, बना कि नहीं बना? अगर किसी से भी नहीं बना तो बोलो नहीं बना। सर हमको टू और थ्री में प्रॉब्लम है। टू और थ्री में प्रॉब्लम है? यस सर। अच्छा, वन बन गया आपसे? यस सर, 196 आंसर है। क्या नाम हुआ आपका? अभिजीत। अभिजीत, इसका आंसर कितना है अभिजीत? 196। इसका आंसर 196 आया है? यस सर। अच्छा ठीक है, और ये दोनों नहीं बना? नो सर। अच्छा, बाकी और कोई जिससे बना हो या ना बना हो, किसी से बना और किसी से, कोई ऐसा जिससे बना हो? कोई नहीं बन रहा तब तो दिक्कत है। देखो चलिए देखते हैं हम लोग, देखो क्वेश्चन सब कोई नोट कर लेना, जिससे बना नहीं बना कोई दिक्कत नहीं, क्वेश्चन को सब कोई नोट कर लीजिएगा, ठीक है? नहीं क्वेश्चन पे आप कटाएंगे, जल्दी से नोट करो। देखो ये सब क्वेश्चन है जो एग्जाम में आ सकता है, ठीक है ना? देखो ये वाला तो स्कूल के एग्जाम में भी आ सकता है, और ये सब क्वेश्चन जो है वो कंपटीशन में पूछा जा सकता है, तो यहाँ पर ध्यान से देखना हम लोग सब क्वेश्चन को। अब चलो बनाने का काम करते हैं, जिनसे बन गया बढ़िया बात है, नहीं बना तो ध्यान से अच्छे से देख लेंगे, ठीक है ना? पहले देखो पहला क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। तो आपके पास देखिए पहला क्वेश्चन क्या था, आपके पास दिया हुआ है कि m इज इक्वल टू 1 प्लस रूट 2 है, आपको फाइंड करना है m का पावर 4 माइनस 1 बाई m का पावर 4। देखिए ध्यान से, आपके पास m है, सॉल्यूशन कर रहे हैं पहला क्वेश्चन का, ठीक है ना? तो आपके पास क्या है, m इज इक्वल टू 1 प्लस रूट 2 है। सबसे पहले क्या करो तुम, 1 बाई m फाइंड कर लो। 1 बाई m फाइंड करने का तरीका क्या था कि 1 बाई 1 प्लस रूट 2, ठीक है ना, इसको मल्टीप्लाई करेंगे किससे, तो आपके पास 1 माइनस रूट 2 बाई 1 माइनस रूट 2 से, ठीक है ना? तो यहाँ पर देखिए आंसर क्या आएगा आपके पास, तो ऊपर में आ जाएगा 1 माइनस रूट 2, और नीचे में देखो क्या आ जाएगा, 1 का स्क्वायर माइनस रूट 2 का स्क्वायर, ठीक है? आगे सॉल्व करो तो तुम्हारे पास क्या आ जाएगा, 1 माइनस रूट 2, और बाई में देखो 1 का स्क्वायर 1 होता है और माइनस रूट 2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा, है ना? तो देखो 2 में से 1 जाएगा तो आपके पास क्या बचेगा, माइनस 1, ठीक है? आप माइनस 1 को ऊपर भेजेंगे तो ये आपके पास कुछ इस तरीके का आ जाएगा, देखिए माइनस 1 और प्लस रूट 2, ठीक है ना? अरेंज करके लिख लो तो अरेंज करके लिखने पे क्या हो जाएगा, रूट 2 माइनस 1 लिख सकते ना, रूट 2 को आगे और माइनस 1 को पीछे, तो ये आपके पास 1 बाई m आ चुका है, ठीक है ना? अब आपके पास काम क्या था, देखो m का पावर 4 माइनस 1 बाई m का पावर 4 दिया हुआ है, ठीक है ना? देखो तो बाकी दो क्वेश्चन को हटा रहे हैं फिलहाल, क्वेश्चन सब कोई नोट कर लिए है ना, क्वेश्चन सब कोई नोट कर लिए हैं? yes, हाँ या ना? यस सर, यस सर। चलिए चलिए, बीच बीच में जो पूछा जाए बोलिएगा, भी तब ना पता चलेगा। देखो यहाँ पे ध्यान से, आपके पास क्या था, m का पावर 4 माइनस 1 बाई m का पावर 4 है, तो ध्यान से देखो आप क्या लिख सकते हैं, m का पावर 4 माइनस 1 बाई m का पावर 4 को आप चाहे तो कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं। देखिए
एम स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस वन बाय एम स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है ना। जिस तरीके से आप इसको लिख सकते हैं तो आगे देखिएगा तो कुछ इस तरीके का हो जाएगा। देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में आ गया तो ये क्या हो जाएगा, ए प्लस बी ए माइनस बी हो जाएगा ना। तो आपके पास क्या हो जाएगा, एम स्क्वायर प्लस वन बाय एम स्क्वायर, है ना। और क्या हो जाएगा, तो एम स्क्वायर माइनस वन बाय एम स्क्वायर हो जाएगा। इस तरीके का कुछ फॉर्म में आ जाएगा तुम्हारे पास। अब देखो इसको चाहो तो और आगे ब्रेक कर लो या फिर देखो यहीं से भी सॉल्व हो जाएगा। कैसे, तो आपके पास देखिए एम स्क्वायर प्लस वन बाई, ठीक है ना, ये आपके पास आ गया है। यहां पर भी देखो तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में है, ठीक है ना। तो इसको भी हम लोग क्या कर लेते हैं, ए प्लस बी और ए माइनस बी में तोड़ लेंगे तो क्या हो जाएगा, एम प्लस वन बाई एम, और क्या हो जाएगा, एम माइनस वन बाई एम, ये चीज आ जाएगा ना। अब देखो तुमको क्या पता है, यहाँ पर आप ध्यान से देखेंगे तो a प्लस बी का होल स्क्वायर का भी फॉर्मूला आप लगा सकते हैं। जैसे ध्यान से देखिएगा तो आपके पास क्या था, देखो तो एम स्क्वायर प्लस वन बाई एम स्क्वायर फाइंड करना है तो उसके लिए हम लोग क्या जानते थे। अभी देखो सिर्फ इसका काम कर रहे हैं, ठीक है ना, इसका काम कर रहे हैं, इसको भूल जाना, ठीक है। देखो इसका काम कर रहे हैं तो इसके लिए क्या जानते थे हम लोग कि देखो m प्लस वन बाई एम का अगर होल स्क्वायर किया जाए तो ये क्या आ जाता था तुम्हारे पास, तो देखो एम स्क्वायर प्लस वन बाई एम स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा, टू इंटू एम इंटू वन बाई एम। किसी को दिक्कत होगा तो बोलना, यहां तक समझने में किसी को दिक्कत है तो, ठीक है ना। अभी इसका काम कर रहे हैं, ठीक है, इसको भी रख दिए साइड में। तो यहां से देखिए आपके पास एम प्लस वन बाई एम में जाकर देखिए, देखो m क्या था तुम्हारे पास, वन प्लस रूट टू, तो m है तुम्हारे पास वन प्लस रूट टू, और देखो प्लस वन बाई एम, तो प्लस वन बाई एम के वन बाई एम क्या है तुम्हारे पास, तो वन बाई एम है हम लोग के पास क्या आया है, तो आपके पास देखिए रूट टू माइनस वन, ठीक है ना। और ये बराबर है किसके, देखो यहां से ये m कट जाएगा तो बचा है क्या तुम्हारे पास, एम स्क्वायर प्लस वन बाई एम स्क्वायर प्लस टू is equal to, तो तुम्हारे पास बचा हुआ है m square plus 1 by m square plus 2, ठीक है। किसी को अगर नहीं समझ में आएगा तो बोल देना, देखो यहां से plus 1 और minus 1 खत्म, तो बचा क्या आपके पास, तो ध्यान से देखिए root 2 और root 2, एक root 2 एक root 2 कितना हो जाएगा, दो root 2, यहां पे square था ना, तो ये हो गया कितना, 2 root 2 का whole square। देखो ये 2 को अगर इस साइड लाएंगे तो ये माइनस टू बन जाएगा, माइनस टू इज इक्वल टू एम स्क्वायर प्लस वन बाई एम स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, देखो तो 2 का स्क्वायर 4 और रूट 2 का स्क्वायर 2, है ना, तो 4 इंटू टू 8 हो जाएगा और 8 में से 2 जाएगा तो 6, डायरेक्ट लिखते हैं तो 6 इज इक्वल टू एम स्क्वायर प्लस वन बाई एम स्क्वायर। देखो एम स्क्वायर प्लस वन एम, वन एम स्क्वायर प्लस वन बाई एम स्क्वायर 6 के बराबर आ गया है। ये पहला काम हो गया हम लोग को, ये पता चल गया ये वाला। अब देखो m प्लस वन बाई एम और m माइनस वन बाई एम फाइंड करना है, तो फाइंड कर रहे हैं क्या, m प्लस वन बाई एम, है ना। तो इसके लिए क्या, ध्यान से देखिए m प्लस वन बाई एम के जगह पे आप ये पुट किए थे, या फिर से देख लीजिए तो m के जगह पे क्या, वन प्लस रूट टू, और देखो वन बाई एम के जगह पे क्या, तो रूट टू माइनस वन, है ना, प्लस करना है तो प्लस रूट टू माइनस वन, ठीक है। यहां से देखो तो ये प्लस वन माइनस वन खत्म, तो क्या आ जाएगा, रूट टू और प्लस रूट टू, तो ये कितना आ गया तुम्हारे पास, टू रूट टू, ठीक है। अब फाइंड कर रहे हैं क्या, एम माइनस वन बाई एम फाइंड कर रहे हैं, तो एम माइनस वन बाई एम क्या हो जाएगा, तो देखो एम के जगह पे फिर से वन प्लस रूट टू, और देखो माइनस वन बाई एम के जगह पे ये वाला पुट कर देंगे ना, माइनस और वन बाई एम क्या है आपके पास, तो रूट टू माइनस वन, यही है ना। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, देखो ये माइनस जब रूट के अंदर जाएगा, मतलब ब्रैकेट के अंदर जाएगा, ये क्या हो जाएगा, वन प्लस रूट टू माइनस रूट टू प्लस वन हो जाएगा ना। तो ध्यान से देखो रूट टू खत्म हो गया, तो वन प्लस वन कितना बचा, टू। अब देखो सबको ऐड करने का काम करेंगे, क्वेश्चन आप लोग नोट कर चुके हैं तो यहाँ पे देखो ऐड करने का काम आप सबको करेंगे।
देखो अब यहां से देखो यहां कर रहे हैं ठीक है ना, अब ध्यान से देखिएगा एम स्क्वायर प्लस वन बाई एम स्क्वायर के जगह पे कितना आया है, तो देखो एम स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर के जगह पे यही ना आया है, ध्यान से देखिए सिक्स, तो ये हो गया सिक्स इंटू में एम प्लस वन बाई एम, तो देखो एम प्लस वन बाई वन एम कितना आया है, तो ये तुम्हारे पास आया है टू रूट टू है ना, और देखो एम माइनस वन बाई एम है इसके जगह पे तुम्हारे पास कितना आया है टू, तो इंटू हो गया टू, अब देखो सबको इंटू करो तो कितना हो जाएगा सिक्स टू जा ट्वेल्व, ट्वेल्व टू जा ट्वेंटी फोर, तो आंसर हो गया ट्वेंटी फोर रूट टू, नोट करिए। सर हाँ बोलिए सर, बोल रहे हैं ये रूट जो आंसर निकला है वन बाई एम के बाद उसका जो वैल्यू निकला उसके बाद समझा दीजिए ना सर। किसके बाद सर? जो वन बाई एम का जो वैल्यू निकला ना सर, वन बाई एम का माइनस वन, ये हाँ उसके बाद से समझा दीजिए ना सर। इसके बाद देखो ये वाला जो यही क्वेश्चन था ना, फाइंड यही करना था ना। यस सर। तो इसको देखो ए स्क्वायर, इसको देखो एम स्क्वायर का होल स्क्वायर लिख सकते हैं ना, इंटू करने पे देखो एम का पावर फोर ही हो जाएगा। हाँ सर। और इसको क्या कर सकते हैं देखो यहाँ पर क्या हम लोग इसको इस तरीके से ऐसे करके लिख सकते हैं ना, देखो वन बाई एम स्क्वायर का होल स्क्वायर लिख सकते हैं ना, इस स्क्वायर को देखो यहाँ लिख दो या फिर कोई दिक्कत नहीं, तो देखो वन बाई एम स्क्वायर का होल स्क्वायर लिख सकते हैं ना। यस सर। अब देखो ये तुम्हारा किसमें टूट गया, ए प्लस बी और ए माइनस बी में टूट गया ना। हाँ सर। अब देखो फिर इसको ये भी तुम्हारा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में है, तो देखो इसको भी ए प्लस बी और ए माइनस बी के फॉर्म में तोड़ दिए ठीक है। अब देखो अलग अलग सबका वैल्यू फाइंड कर रहे हैं, पहले देखो इसका वैल्यू फाइंड किए एम स्क्वायर प्लस वन बाई एम स्क्वायर था, तो अगर हम लोग को इसको लाना है तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला यूज करके देखो इसको निकाल लिए। हाँ सर। ठीक है यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है ना? नहीं सर। तो यहाँ से देखो एम स्क्वायर प्लस वन बाई एम स्क्वायर सिक्स के बराबर आ गया ठीक है सर। उसके बाद देखो एम प्लस वन बाई एम फाइंड किए ये टू रूट टू आया, फिर एम माइनस वन बाई एम फाइंड किए टू आया, देखो तीनों को मल्टीप्लाई करना था तो तीनों का वैल्यू को मल्टीप्लाई कर दिए आंसर आ गया ठीक है सर। नोट करिए फिर दूसरा वाला बताते हैं। हो गया सबका? यस सर। समझ में आया ऐसा कि कोई किसी को दिक्कत हुआ हो, किसी को नहीं? नो सर। चलिए तो आगे देखते हैं। देखो अगला क्वेश्चन जो था सर एक बार समझा दीजिए ना इसको। हाँ सर। कहाँ पे दिक्कत हुआ बताइए सर? रूट टू माइनस वन है ना, उसके बाद एम स्क्वायर माइनस वहाँ से दिक्कत है। ये वाला नहीं सर, बगल में थोड़ा बगल में रूट टू माइनस वन है ना इस साइड से, ये हाँ हाँ उसका नीचे से यहाँ तक समझ में आ गया था? हाँ सर आ गया था। इसके नीचे दिक्कत है यही ना? हाँ सर। देखो इसी को हम लोग को फाइंड करना था, सही बात है ना? क्वेश्चन देखना, तुम लोग के पास क्वेश्चन होगा तो उसमें देखना ये वाला पार्ट हमको फाइंड करना था, सही है ना? तो देखो हाँ। ये फाइंड करना था तो आप क्या कर सकते थे, देखिए हम एम स्क्वायर को एम का पावर जो फोर था उसको एम स्क्वायर का होल स्क्वायर के फॉर्म में लिख दिए, तो देखिए टू टू जो फोर वापस से यही चीज आ जाएगा ना, और यहाँ पर भी देखो वन बाई एम का जो पावर फोर है हम इसको क्या कर दिए वन बाई एम स्क्वायर का होल स्क्वायर के फॉर्म में लिख दिए, देखो फिर से ये वापस से यही चीज हो जाएगा ठीक है। yes, अब यहाँ पर देखिए तो ये तुम्हारे पास क्या, तो ध्यान से देखो क्या ये तुम्हारे पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में आ गया है? यस सर।
तो अगर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में आ गया है तो ये क्या होता है आपके पास ए प्लस बी और ए माइनस बी होता है ना। यस सर। तो देखो हम ए प्लस बी और ए माइनस बी लिख दिया। अब देखो ये वाला पार्ट जो है ये भी आपके पास देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में है, आप यहाँ पे पूरे में ब्रैकेट लगा दीजिएगा ठीक है, तब दिक्कत नहीं होगा। अब यहाँ पर देखो तो क्या ये तुम्हारे पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में है ना, तो इसको देखो ए प्लस बी और ए माइनस बी में तोड़ दिया गया। अब देखो सबका अलग अलग वैल्यू निकाल रहे हैं, पहले इसका वैल्यू निकाल रहे हैं, इसका वैल्यू कैसे निकाल सकते थे तो m प्लस वन बाई एम का होल स्क्वायर कर देते तो वहां से देखो हम लोग को m स्क्वायर प्लस वन बाई एम स्क्वायर मिल जाता जो हम लोग को चाहिए था। यहाँ से देखो m प्लस वन बाई एम का वैल्यू पुट कर दिए, देखो m का वैल्यू ये था और वन बाई एम का वैल्यू ये था, देखो यहाँ पे m का वैल्यू और ये देखो वन बाई एम का वैल्यू पुट कर दिए। अब ये आपके पास देखिए यहाँ से m और m कट गया ठीक है ना, ये बचा एम स्क्वायर प्लस हेलो 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 हाँ सर यस सर समझ में आ रहा है ना। हाँ सर तो नेट छोड़ दिया था। अच्छा तो कोई बात नहीं, यहाँ पर देखिए तो आपके पास m स्क्वायर प्लस वन बाय m स्क्वायर आ गया। अब देखो ये टू को प्लस टू को इधर लेके गए तो माइनस टू हो गया, यहाँ पर देखो टू का स्क्वायर फोर और रूट टू का स्क्वायर टू, तो ये देखिए फोर इंटू टू तो वीडियो डूब जा रहा, फोर फोर टू जा एट और एट में से टू गया, देखो एट में से टू गया तो सिक्स बचा है ना, तो ये तुम्हारा एम स्क्वायर प्लस वन बाई एम स्क्वायर का वैल्यू सिक्स आ गया ठीक है ना। अब क्या कर लिए देखो एम प्लस वन बाई एम फाइंड कर लिए, तो एम प्लस वन बाई एम, एम क्या था वन प्लस रूट टू और 1 बाई एम क्या था रूट टू माइनस वन, तो यहाँ से देखो प्लस वन माइनस वन खत्म हो गया तो रूट टू और रूट टू कितना हो गया टू रूट टू ठीक है ना। अब आपके पास क्या था तो देखिए m माइनस वन बाई एम है ना, m माइनस वन बाई एम था तो आपके पास क्या आ गया ध्यान से देखिए m के जगह पे 1 प्लस रूट टू, देखो माइनस के जगह पे माइनस और 1 बाई एम के जगह पे रूट टू माइनस वन जो उसकी m इसका वैल्यू था 1 बाई एम का वैल्यू था। अब यहाँ पे देखिए माइनस अंदर गया तो ये माइनस रूट टू हो गया, माइनस अंदर गया तो ये प्लस वन हो गया, यहाँ से देखिए प्लस रूट टू माइनस रूट टू खत्म हो गया तो वन प्लस वन कितना होता है टू है ना। अब देखो तीनों का वैल्यू लिख दिए, इसका भी वैल्यू है ना, इसका भी वैल्यू और देखो इसका भी वैल्यू, तीनों का वैल्यू साथ में लिख के इंटू कर दिए तो आंसर आ गया 24। आगे समझ में? यस सर। चलो ठीक, अब देखिए आगे का दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। देखो इसके बाद जो हम लोग के पास क्वेश्चन था वो क्वेश्चन क्या बोल रहा था कि अगर आपको देखिए क्वेश्चन है कि a प्लस वन बाई ए, क्वेश्चन है क्या कि आपके पास a प्लस वन बाई ए ये रूट फाइव के बराबर है, आपको क्या फाइंड करना है, आपको फाइंड करना है a का पावर सिक्स प्लस वन बाई ए का पावर सिक्स इतना होगा, ये तुम्हारा अगला क्वेश्चन था ठीक है ना। अब इसको देखो सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन सबको दिख रहा है, क्वेश्चन सबको दिख रहा है ना? यस सर। देखो इसको कैसे फाइंड करेंगे, तो देखो इसमें आपको क्या करना होगा, थोड़ा सा इसमें दिमाग लगाना था और ज्यादा कुछ नहीं, यहाँ पर सीधा सा समझो हम लोग क्या करते हैं, पहले इसका क्यूब करते हैं,
देखो क्या कर सकते थे, ध्यान से देखिए, अगर हम लोग a का स्क्वायर कर दे और पावर 3 कर दे तो ये देखो a का पावर 6 बन जाएगा, या फिर क्या करें किसी तरीके से a का पावर 3 कर दे और स्क्वायर कर दे तो भी a का पावर 6 बन जाएगा। तो इससे हम लोग को पता चल रहा है कि इसमें दो फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। पहले बार क्या कर रहे हैं कि आपके पास a प्लस 1 बाई a का क्यूब कर रहे हैं, है ना, ठीक है, इसका क्यूब निकाल रहे हैं। तो अगर a प्लस 1 बाई a का क्यूब करेंगे तो ये कौन सा फॉर्मूला क्या होगा, इसका फॉर्मूला, इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो ए क्यूब, है ना, प्लस क्या होता है आपके पास बी क्यूब, ठीक है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस क्या होता है थ्री ए इंटू बी, है ना, थ्री ए बी और क्या हो जाता है ए प्लस बी। तो देखिए ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस थ्री ए बी ए प्लस बी, तो ये आपका ए प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला। अब जरा सा ध्यान से देखो तो यहाँ पे a प्लस वन बाई ए का वैल्यू कितना था रूट फाइव, तो इसकी जगह पे पुट कर दे रहा है तो ये हो जाएगा देखो रूट फाइव का क्यूब हो जाएगा। और देखिए यहाँ पर a क्यूब प्लस वन बाई ए क्यूब, यहाँ पर देखो तो ये कट जाएगा, है ना, तो आपके पास क्या बच जाएगा थ्री, और देखो a प्लस वन बाई ए का वैल्यू दिया हुआ है रूट फाइव, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा रूट फाइव। अब जरा सा ध्यान से देखना तो यहाँ पर देखो रूट फाइव का आपको क्यूब करना है, रूट फाइव का क्यूब करिएगा तो क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिए रूट फाइव इंटू रूट फाइव इंटू रूट फाइव, क्यूब का मतलब तीन बार, तो देखो रूट फाइव इंटू रूट फाइव क्या हो जाएगा फाइव, फाइव रूट फाइव, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा तुम्हारे पास फाइव रूट फाइव इज इक्वल टू ए क्यूब प्लस वन बाई ए क्यूब प्लस क्या है थ्री रूट फाइव। अब देखो इस थ्री रूट फाइव को इधर लेके जाएंगे तो माइनस होगा, है ना, मतलब क्या फाइव रूट फाइव माइनस थ्री रूट फाइव इज इक्वल टू ए क्यूब प्लस वन बाई ए क्यूब, तो ए क्यूब प्लस वन बाई ए क्यूब कितना आ गया, देखो फाइव रूट फाइव में थ्री रूट फाइव गया तो कितना बच गया टू रूट फाइव इज इक्वल टू ए क्यूब प्लस वन बाई ए क्यूब, ये तुम्हारे पास आ गया, ठीक है ना। अब आगे ध्यान से देखो तो अब इस पे कौन सा फॉर्मूला लगाना होगा, तो इसका अगर हम लोग स्क्वायर कर दे तो हम लोग को क्या सिक्स वाला मिल जाएगा, है ना, तो हम लोग देखो स्क्वायर कर रहे हैं इसका अगली बार में, तो देखो प्लस वन बाई ए क्यूब का क्या कर रहे हैं होल स्क्वायर, तो होल स्क्वायर इसका कितना के बराबर होता है ध्यान से देखिएगा, तो देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस क्या होता है टू इंटू ए इंटू बी, यही ना फॉर्मूला होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर का, ये क्या हो जाता है आपके पास प्लस का, किसी को कोई दिक्कत है, तो देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी। अब जरा सा ध्यान से देखो तो यहाँ पर तुम्हारे पास क्या आ जाएगा, देखो ए क्यूब प्लस वन बाई ए क्यूब का वैल्यू आया हुआ है टू रूट फाइव, तो ये हो जाएगा टू रूट फाइव का क्या हो जाएगा स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपके पास, तो देखिए ए क्यूब का पावर कितना हो जाएगा ए का पावर सिक्स, और यहाँ पर वन बाई ए का पावर सिक्स, यहाँ पर देखो ए क्यूब और वन बाई ए क्यूब का ये ए क्यूब ए क्यूब कट जाएगा तो बचेगा क्या तुम्हारे पास सिर्फ टू। अब जरा सा ध्यान से देखो यहाँ पर ध्यान से देखो तो टू का स्क्वायर क्या हो जाएगा फोर, और रूट फाइव से क्या आ जाएगा फाइव इज इक्वल टू ए का पावर सिक्स प्लस वन बाई ए का पावर सिक्स प्लस टू। अब जरा सा इधर देखिएगा तो देखो फोर फाइव फोर जो यहाँ हो गया क्या तुम्हारे पास ट्वेंटी, है ना, तो 20 इज इक्वल टू आ गया है ए का पावर 6 प्लस 1 बाय ए का पावर 6 प्लस 2। अब देखो ये प्लस 2 इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो आपके पास क्या 20 माइनस 2 इज इक्वल टू ए का पावर 6 प्लस 1 बाय ए का पावर 6, तो आंसर हो गया कितना 18 जो फाइंड करने बोला था। क्लियर है सबको? यस सर। किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो। देखो कुछ नहीं किए, बस दो बार फॉर्मूला लगा दिए, एक बार क्यूब का फॉर्मूला लगा दिए और एक बार क्या कर दिए स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दिए, तो इस तरीके से आपको सोचना पड़ेगा। जल्दी से कॉपी करिएगा। सर हाँ बोलिए। मेरा एक तो डाउट था सर, एक्सरसाइज 1G में।
वन जी में यस सर, वन जी का सेवन का सेकंड में सर, वन जी का सेवन का सेकंड में यस सर। आप तुम्हें काम करना ना चैट में ना अपलोड कर देना, आप थोड़ा सा दूसरा चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं ठीक है, तो चैट में एक बार अपलोड कर देना ठीक है। तो देखो यहाँ से अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, दूसरा चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं कौन सा, तो आपके पास हम लोग का देखो चैप्टर है यहाँ पे पॉलिनोमियल, हम लोग तो पॉलिनोमियल स्टार्ट कर रहे हैं, तो ध्यान से देखिएगा पॉलिनोमियल के बारे में हम लोग पिछला दिन कुछ बात कर रहे थे क्या, तो देखिएगा देखो अगर हम लोग पॉलिनोमियल के बारे में बात करें ना, तो पॉलिनोमियल पढ़ने से पहले हम लोग कुछ बात जानना था, वो क्या कि कांस्टेंट क्या होता है, वेरिएबल क्या होता है, तो इस पे हम लोग पिछले क्लास में बात कर रहे थे कि कांस्टेंट किसको बोलते हैं, वेरिएबल किसको बोलते हैं ठीक है ना, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है, तो इस सब के बारे में हम लोग बात कर रहे थे। सबसे पहले हम लोग समझे थे क्या कि आपके पास कांस्टेंट और वेरिएबल का हम लोग बात समझ चुके थे कि कांस्टेंट क्या था, जो कभी भी अपना वैल्यू को चेंज नहीं कर रहा ठीक है ना, और वेरिएबल क्या था, जो समय के हिसाब से क्या कर रहा था, अपना वैल्यू को बार बार चेंज कर लेता है। तो जैसे कि हम लोग एग्जांपल भी देख चुके थे कांस्टेंट का, कांस्टेंट कैसे था 5, 7, 9, ये सब क्या था आपके पास कांस्टेंट था, और वेरिएबल क्या था, तो वेरिएबल आपके पास क्या था, तो एक्स वाई ए है ना, इस तरीके का चीज आपके पास क्या था, वेरिएबल था ठीक है ना। तो उसके बाद हम लोग क्या देखे थे, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन देखे थे, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में हम लोग क्या देखे कि जब कुछ कांस्टेंट और वेरिएबल को फॉर्म किया जाए किसी क्या करके, किसी ऑपरेटर के मदद से, और ऑपरेटर में क्या आ रहा था आपके पास, प्लस और माइनस का यूज किया जा रहा था। तो हम लोग क्या देखे थे कि जब कुछ कांस्टेंट और वेरिएबल का यूज किया जाए कुछ आपके पास किसके मदद से, तो आपके पास ऑपरेटर के मदद से, तो उसको हम लोग क्या बोल रहे थे, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बोल रहे थे। जैसे कि यहाँ पर ध्यान से देखा जाए तो 2x + 5 ये क्या है, एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, 5x + 6 ये सब क्या है, एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ठीक है ना। तो इसके बारे में हम लोग बात कर रहे थे कि आपके पास, और देखो यहाँ पे ऑपरेटर क्या हुआ है, तो ऑपरेटर तुम्हारे पास प्लस यूज हुआ है, ऑपरेटर आपके पास क्या यूज हुआ है, तो जैसे देखो 7x - 9 ऑपरेटर आपके पास देखिए क्या यूज हुआ है, तो माइनस यूज हुआ है ना। इस तरीके का बात, आप और भी ऑपरेटर यूज कर सकते हैं क्या, कि जैसे कि आप इनटू का यूज कर ले, डिवाइड का यूज कर ले ठीक है ना, तो ये सब आप क्या कर सकते हैं, ऑपरेटर का यूज करके एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं। यहाँ पर देखो 2 × x है, प्लस देखो y है ना, यहाँ पर भी देखिए 7x - 9 है, तो ये सब क्या है आपके पास, ऑपरेटर यूज हुआ है, कुछ कॉन्स्टेंट यूज हुआ है, कुछ वेरिएबल यूज हुआ है, और तुम्हारे पास अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का फॉर्मेशन हो चुका है। आगे अगर बात करेंगे हम लोग, तो देखो कुछ टर्म्स होता है इसमें ठीक है ना, टर्म्स होता है क्या, जैसे कि यहाँ पर ध्यान से देखना, तो देखो एक और ये एक, इसमें दो टर्म दिख रहा होगा, और देखो तो 2x लिखते हैं ठीक है ना, और अगर आप देखेंगे तो देखो 9x² + 5x + 3 लिखते हैं ठीक है। इस सब में देखो ध्यान से, तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि देखिए अब इसको क्या बोला जाएगा ठीक है ना, यहाँ पर कितना टर्म है, इसमें कितना टर्म है, इसका डिग्री क्या है, ये सब हम लोग अभी सीखेंगे। तो सबसे पहले देखो इसमें आपके पास 2x दिख रहा है ठीक है ना, तो अगर इसके लिए टर्म का बात करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, सिंगल टर्म हो जाएगा, इसमें टर्म के लिए बात करेंगे तो सिंगल टर्म हो जाएगा, इसमें अगर टर्म के लिए बात करेंगे तो 2 टर्म हो जाएगा, इसमें अगर टर्म के लिए बात करेंगे तो 3 टर्म हो जाएगा। अब टर्म कैसे पकड़ते हैं उस बात को भी समझो, तो देखो जब कोई भी कांस्टेंट और वेरिएबल का कॉम्बिनेशन ठीक है ना, किसी भी ऑपरेटर सच दैट प्लस और माइनस से जुड़ा हो ठीक है ना, प्लस और माइनस से सेपरेट हुआ हो ठीक है, तो आप उसको क्या बोलेंगे, उतना टर्म बोला जाएगा। तो यहाँ पर देखो एक ऑपरेटर है प्लस, और क्या कर रहा है, किसको किसको सेपरेट कर रहा है, 2x और y को सेपरेट कर रहा है ठीक है ना, तो आपके पास क्या है 2x एक टर्म हो गया और y देखो दूसरा टर्म हो गया। टर्म को देखते वक्त
आप मल्टीप्लाई को देखिए, यहाँ पे इग्नोर किया जा रहा है, टर्म को देखते वक्त क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई डिवीजन को इग्नोर करेंगे, ठीक है ना। जब हम लोग टर्म के लिए बात करेंगे तो टर्म के लिए सिर्फ क्या होगा, ऑपरेटर प्लस और माइनस ही होगा। यहाँ पर देखो प्लस और माइनस के आगे पीछे कुछ भी नहीं है, सिर्फ 2x है ना। तो यहाँ पर अगर बात करेंगे टर्म का तो ये होगा सिंगल टर्म। इसमें देखो यहाँ पर देखो आपके पास दो बार प्लस आया है और सेपरेट हुआ है देखो तीन, है ना। यहाँ पर 9x स्क्वायर, 5x और 3, तो यहाँ पर इसको क्या बोला जाएगा, थ्री टर्म्स बोला जाएगा। आगे देखो और भी बात करते हैं, इसका कुछ नाम भी दिया जाता है, ठीक है ना। उस नाम पे बात करने से पहले देखो हम लोग बात करते हैं क्या, पॉलिनोमियल के बारे में। तो देखो अभी पॉलिनोमियल का हेडिंग लिखा है और डेफिनेशन भी उसका बताते हैं, फिर हम लोग इस जो टर्म्स के बारे में देखे है ना, इसका नाम क्या होगा, इसका नेमिंग कैसे किया जाएगा वो भी देखेंगे। तो सबसे पहले देखिए पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल, देखो पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। अब जरा सा देखो वन वेरिएबल का मतलब क्या, हम लोग वेरिएबल सीख चुके थे ना कि तुम्हारे पास x, y, z, a, b ये सब क्या था, वेरिएबल था। तो देखो पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल का मतलब हुआ क्या, या तो सिर्फ x यूज होगा, या तो सिर्फ y यूज होगा, या फिर कोई भी सिर्फ एक ही वेरिएबल यूज होगा, इसमें से कोई एक ही यूज होगा, ठीक है ना। वो कुछ भी हो वो मैटर नहीं करता है, लेकिन क्या होगा, कोई भी एक ही यूज होगा, हम लोग क्या बोलेंगे उसको, सिंगल वेरिएबल या वन वेरिएबल के नाम से जानेंगे। अब देखो इसका जनरल फॉर्म कैसे लिखा जाता है, देखो यहां पर अगर बात किया जाए तो देखो एक ऐसा एक्सप्रेशन, एक्सप्रेशन ऑफ द of the form a naught a one x a two x square a three x cube dot 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 a n x n, है ना, where n is not equals to zero। देखो बोला गया क्या, कोई भी एक algebraic expression किस फॉर्म में हो, देखो इस फॉर्म में हो, इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिखा गया है। देखो इसको स्टैंडर्ड किसी पॉलिनोमियल को लिखा जा रहा है तो या तो असेंडिंग में लिखा जाएगा या तो डिसेंडिंग में, तभी वो स्टैंडर्ड फॉर्म कहलाएगा पॉलिनोमियल का। तो यहाँ पर देखो हम लोग क्या कर रहे हैं, असेंडिंग ऑर्डर में लिख रहे हैं, मतलब क्या, अगर कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इस फॉर्म का हो, ए नॉट प्लस ए वन एक्स प्लस ए टू एक्स स्क्वायर, देखो बढ़ते जा रहा है ना, पावर बढ़ते जा रहा है, अगर इस फॉर्म में हो जहां पर a n x n, ठीक है ना, और क्या होना चाहिए, n जीरो नहीं होना चाहिए, तो इसको क्या कहा जाएगा, तो इसको हम लोग बोलेंगे क्या कि ये तुम्हारा पॉलिनोमियल है x, पॉलिनोमियल किसमें है x में, और डिग्री इसका क्या है n, क्योंकि देखो यहाँ पर वेरिएबल कौन सा यूज हुआ है, x वेरिएबल, और a जो है ना इसको कॉन्स्टेंट की तरह ट्रीट किया जा रहा है, कॉफिशियंट ऑफ x यूज किया जा रहा है, ठीक है ना, कॉफिशियंट ऑफ x है ये, ठीक है ना, और वेरिएबल क्या है, ठीक है, इसको हम लोग बोलेंगे क्या, an algebraic expression of the form this where n is not equals to zero is called a polynomial, polynomial in x, polynomial in x of degree n। देखो इसको क्या बोला जा रहा है, polynomial in x कहा जा रहा है, क्यों, क्योंकि यहां पर इस polynomial का जो variable माना गया है उसको x को माना गया है, ठीक है ना, और आपके पास देखिए डिग्री क्या है, तो n डिग्री का पॉलिनोमियल है, n के जगह पे कुछ भी हो सकता है, हो सकता है 100 हो जाए, हो सकता है 7 हो जाए, हो सकता है 69 हो जाए, तो यहाँ पे n कुछ भी हो सकता है, तो पॉलिनोमियल किसमें है, x में, हाईएस्ट डिग्री कितना है, n है। अब देखो बोलेगा कि a नॉट a वन a टू ये भी तो वेरिएबल दिख रहा है, इसलिए दिख रहा है क्योंकि यहाँ पर देखिए ये तो इसका कोएफिशिएंट है, और कोएफिशिएंट तो कुछ भी हो सकता है ना, कॉफिशियंट कुछ भी हो सकता है, हम लोग अभी कॉफिशियंट तो नहीं लिख रहे हैं, अभी तो हम लोग जस्ट स्टैंडर्ड फॉर्म लिख रहे हैं, किसी भी पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म कैसा होता है, तो वहां पर बात किया जा रहा है कि ये पॉलिनोमियल का क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्म है, ठीक है। देखो यहाँ पे पहले ही बोल दिया गया ना
कि तुम्हारे पास n जीरो नहीं होना चाहिए। अगर n जीरो हो जाए तो इसको n डिग्री पॉलिनोमियल थोड़ी ना कहा जाएगा। n अगर जीरो हो जाए तो ये तो खत्म हो जाएगा, ये वाला चीज तो खत्म हो जाएगा तुम्हारे पास। तो यहाँ पर n डिग्री पॉलिनोमियल थोड़ी ना बोल सकते इसको, इसलिए यहाँ पे ये स्टैंडर्ड फॉर्म पॉलिनोमियल का हो गया। अब देखो आगे, अब अगर हम लोग बात करेंगे तो ध्यान से देखिए, कुछ एग्जाम्पल देखते हैं, ठीक है। यहाँ पे ये कितना डिग्री पॉलिनोमियल हो गया, n, क्यों? क्योंकि इसका हाईएस्ट डिग्री n था। अब देखो कुछ एग्जाम्पल समझते हैं पहले, तब और क्लियर हो जाए। यहाँ पर देखिए अगर हम लिखते हैं क्या 7x, ठीक है। अब 7x लिखा जा रहा है तो देखो x का हाईएस्ट डिग्री कितना है, 1 है, है ना। x का हाईएस्ट डिग्री 1 है, तो ये क्या हो जाएगा, इसको बोल सकते हैं क्या, इज अ 7x इज अ पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री डिग्री 1। देखो पॉलिनोमियल 7x पॉलिनोमियल है जिसका डिग्री कितना है, 1 है। और एग्जांपल देखो, अब हम लिखते हैं क्या 9x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3, या फिर देखो यहां पर लिखते हैं क्या, देखो x स्क्वायर प्लस 3 या फिर सिर्फ 5 या 9x स्क्वायर, कुछ भी। ये तीनों देखो, ये तीनों के लिए बात किया जाएगा ना, तो ये तीनों क्या है, आर पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2। देखो ये तीनों ही पॉलिनोमियल है, ठीक है ना। और कितना डिग्री का, सेकंड डिग्री का। यहाँ पे इस बात से फर्क नहीं पड़ता है कि 9x स्क्वायर के बाद और दो टर्म लिखा हुआ है कि नहीं लिखा हुआ है, या फिर इसमें तीन टर्म है कि नहीं है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। यहाँ पर फर्क इस बात से पड़ेगा कि पॉलिनोमियल को सेकंड डिग्री पॉलिनोमियल बोलेंगे। कब बोलेंगे, जब इसका हाईएस्ट पावर कितना होगा, 2 होगा। जब भी हाईएस्ट पावर 2 होगा तो इसको पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2 कहा जाएगा। उसी तरीके से आपके पास क्या होगा, अगर हाईएस्ट डिग्री 3 होगा तो उसको कितना डिग्री पॉलिनोमियल बोलेंगे, थर्ड डिग्री पॉलिनोमियल बोलेंगे। जैसे देखो लिखते हैं क्या 7x क्यूब प्लस लिखते हैं 5x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 3, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, तुम्हें तो क्या बोल सकते हैं हम लोग, तो देखो इज अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 3। ये कितना हो गया, थर्ड डिग्री पॉलिनोमियल हो गया। तो ये आपके पास कुछ पॉलिनोमियल था और उसका डिग्री, डिग्री कैसे पता करेंगे, जिस भी पॉलिनोमियल का जो हाईएस्ट पावर होगा, वेरिएबल का हाईएस्ट पावर होगा, वही उस पॉलिनोमियल का डिग्री कहलाएगा। यहाँ पर देखो हाईएस्ट पावर 1 था तो 1 डिग्री पॉलिनोमियल, हाईएस्ट पावर देखो तीनों में 2 है तो 2 डिग्री पॉलिनोमियल, हाईएस्ट पावर 3 है तो 3 डिग्री पॉलिनोमियल, इसी तरीके से 4 रहेगा तो 4 डिग्री पॉलिनोमियल। अब देखो इस सबका कुछ नाम होता है, उसके बारे में बात करेंगे, तो पहले इसको कॉपी करिए और अगर किसी को कोई डाउट है तो पूछिए। हाँ बोलिए। सर बोल रहे हैं जिसका सब मतलब कोई भी, जैसे ये हो गया, बोल रहे सर जैसे कोई भी आप पॉलिनोमियल हो गया तो उसका जो सबसे ज्यादा हाईएस्ट डिग्री होगा उसको ही पहले लिखेंगे सर। हाँ अगर इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है तो, और अगर नहीं लिखना है तो हाँ जैसे भी लिख सकते हैं, बताएंगे बताएंगे, रुक जाओ अभी बताना बाकी है पहले इसको। इसमें कोई डाउट है, इसमें कहीं कोई डाउट है तो पूछो सर। बोलो। बोल रहे सर वीडियो ब्लर आ रहा, पता नहीं क्या वीडियो ब्लर आ रहा है देर से सर। सर रुक जाओ ठीक हो जाएगा, हो गया सबका। सर एक मिनट। अच्छा ठीक,
सर हो गया हो गया। चलिए देखो आगे चलो बढ़ते हैं सर। वन मिनट। अच्छा हो गया सर। चलिए अब देखो हम लोग डिग्री के बारे में तो समझ गए कि कैसे डिग्री पता करेंगे। अब देखो इसके बाद हम लोग बात करते हैं क्या स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल का, ठीक है ना। किसी भी पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म के बारे में पता करो। अब जरा सा ध्यान से देखो तो मान लो कोई पॉलिनोमियल लिखा हुआ है कुछ इस तरीके से। तो देखो जैसे कि 9x2 5x, दूसरा देखो मान लो कोई पॉलिनोमियल लिखा हुआ है ठीक है। अब जरा सा ध्यान से देखिए तो यहाँ पर आपको पॉलिनोमियल दिख रहा है, बिल्कुल एक पॉलिनोमियल। इस पॉलिनोमियल का हाईएस्ट डिग्री पूछा जाएगा तो क्या होगा हाईएस्ट डिग्री? टू। वेरी गुड। इसका हाईएस्ट डिग्री क्या होगा? नाइन। वेरी गुड वेरी गुड। इसका हाईएस्ट डिग्री क्या होगा? वेरी गुड वेरी गुड। देखो तो इसका हाईएस्ट डिग्री तो हम लोग बता देंगे बिना अरेंज किए, लेकिन यहाँ पे बोला है स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल, तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है, है ना। ये स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है, ये क्या है? अनस्टैंडर्ड फॉर्म है। तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा ना, तो कैसे कन्वर्ट होगा? तो ध्यान से देखो हाईएस्ट पावर वाला या तो इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिख दो या तो क्या करो डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख दो, या तो क्या करो असेंडिंग ऑर्डर में या तो डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो देखो हम क्या कर रहे हैं, सबको लिखते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो 9x2 + 5x + 3, ठीक है। अब ये कैसा हो गया तुम्हारे पास? तो अब ये आपके पास स्टैंडर्ड फॉर्म है। सर अगर डिसेंडिंग फॉर्म में भी लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है? कोई दिक्कत नहीं, या तो असेंडिंग फॉर्म में लिखिएगा या तो डिसेंडिंग फॉर्म में लिखिएगा, ठीक है सर। तो इसको जरा सा लिख के बताइए सर। 2 4x2 + 7 + 5x3 + 7x9। इसको देखो ऐसे यहाँ पे सर 7x सर 7x पावर 9 + 9x पावर 3 + 2। देखो यहाँ पर देखो 4x का पावर 3 है और 5x का पावर 3 है, तो स्टैंडर्ड फॉर्म बनाने के लिए दोनों को क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे। 5 4 कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा ना, 9x का पावर 3 + 2। देखो हो गया, इसको स्टैंडर्ड करना था तो इसको तो ऐड भी तो कर देंगे ना। हाँ बोलिए सर। 4x के ऊपर आप क्यूब लिखे हैं? हाँ ये क्यूब लिखा हुआ है। ओ, हमको स्क्वायर लग रहा था। अच्छा तो ये क्या हो गया आपके पास स्टैंडर्ड फॉर्म। इसका देखो तो इसका क्या हो जाएगा आपके पास, तो ध्यान से देखिएगा तो ये हो जाएगा 3x का पावर 7 + 6x का पावर 4 + 5x का पावर 3 + 9। तो ये कन्वर्ट हो गया किसमें? तो आपके पास स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड तो देखो इससे हम लोग इसको बनाने से क्या सीखे, इसको बनाने से हम लोग एक बात सीखे कि अगर हम लोग को किसी पॉलिनोमियल को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है ना, तो क्या होगा? फॉर्मिंग अ पॉलिनोमियल इन स्टैंडर्ड फॉर्म अरेंज इट इन ascending or
डिसेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग में या फिर आप क्या कर दीजिए डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख दीजिए, तो ये आपके पास क्या हो जाएगा पॉलिनोमियल जो है वो किस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, तो स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, इस बात को नोट कर लेना। तो पूरा ब्लर आ रहा है। सर वीडियो ब्लर आ रहा है सर। हाँ ब्लर आ रहा है सर, वीडियो ब्लर आ रहा है सर। यस सर। अब ठीक आ रहा है सर। ठीक है ना? हाँ सर। चलो कॉपी करो, जल्दी से कॉपी करो। हो गया? हो जाएगा तो बोलना। हो गया सर। हो गया? रुकिए सर। हो गया सर। चलिए अब देखो हम लोग क्या देखे अभी तक। हम लोग पॉलिनोमियल देखे, पॉलिनोमियल का डिग्री देखे, ठीक है ना? तो अब देखो यहां से हम लोग देखते हैं, पहले देखते हैं कि कैसे पता चलेगा कि कोई पॉलिनोमियल नहीं है। पॉलिनोमियल कौन सा है, कैसे है, ये तो पता चल गया। अब मान लो क्या किसको बोलेंगे कि पॉलिनोमियल ये नहीं है, ठीक है ना? तो हम लोग देखते हैं क्या कि नॉट ए पॉलिनोमियल, इसको बोलेंगे कि ये पॉलिनोमियल नहीं है, ठीक है ना? तो उसके लिए जरा सा ध्यान दीजिएगा। देखो यहां पर हम लोग का काम क्या होगा, नॉट ए पॉलिनोमियल देखने वक्त हम लोग को अगर कोई पॉलिनोमियल का वेरिएबल अगर तुमको फ्रैक्शन में दिखे या नेगेटिव इंटीजर दिखे उसका पावर, तो समझ जाना कि वो पॉलिनोमियल नहीं है। जैसे कि देखो एग्जांपल लिखते हैं क्या, इफ देखो इफ डिग्री डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल इज इन फ्रैक्शन देन फ्रैक्शन और नेगेटिव इंटीजर, देन इट इज नॉट ए पॉलिनोमियल। अगर किसी पॉलिनोमियल का डिग्री फ्रैक्शन में हो या नेगेटिव इंटीजर हो तो वो पॉलिनोमियल नहीं होगा। एग्जाम्पल देखो लिखते हैं, अगर मान लो आपके पास एफ एक्स कोई पॉलिनोमियल दिया हुआ है जो x प्लस वन बाई एक्स के फॉर्म में है, ठीक है ना? तो यहाँ पर देखो अगर आप इसको सॉल्व करेंगे आगे तो ये क्या हो जाएगा, देखो x है और इसको सॉल्व करने पे x प्लस एक्स का पावर माइनस वन आएगा, ठीक है ना? तो यहाँ पर देखो इसका जो डिग्री है वो कहाँ चला गया, नेगेटिव इंटीजर हो गया ना। बोलो यस सर। तो नेगेटिव इंटीजर हो गया तो इसको क्या बोलेंगे, नॉट ए पॉलिनोमियल। हाँ नॉट ए पॉलिनोमियल, वेरी गुड। इसी तरीके से देखो अगर और भी एग्जांपल देखते हैं, जैसे एफ एक्स इज इक्वल टू लिखा हुआ है रूट एक्स प्लस टू एक्स स्क्वायर, ठीक है ना?
रूट एक्स प्लस टू एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है। अब भी ध्यान से देखो तो यहाँ पर अगर आप गौर करेंगे तो देखो इसका डिग्री जो है x का पावर 1 बाय 2 प्लस 2 एक्स स्क्वायर हो गया। तो इसके बारे में क्या बोला जा सकता है? फ्रैक्शन में होगा तो पॉलिनोमियल नहीं होगा ना, यस सर। तो यहाँ तो फ्रैक्शन में है तो क्या ये पॉलिनोमियल होगा? नो सर, नहीं होगा। ठीक है ना, तो ये पॉलिनोमियल नहीं होगा। और भी एग्जाम्पल समझते हैं। यहाँ पर भी देखिए, जैसे कि मान लो आपके पास एफ एक्स लिखा हुआ है। अब जरा सब बताना कि यहाँ पर रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस फाइव लिखा हुआ है, क्या ये पॉलिनोमियल है? ये भी सर नहीं है, पॉलिनोमियल नहीं है। ये पॉलिनोमियल नहीं है सर, है पॉलिनोमियल है। यस सर। कैसे है? नो सर, नहीं है सर। नो सर, नहीं है। नो सर, नहीं सर है। नहीं है सर। सर वो एक्स प्लस फाइव हो जाएगा वहाँ। वेरी गुड। देखिए यहाँ पर ये एक्स स्क्वायर है रूट के अंदर। देखो थोड़ा सा जवाब देते वक्त क्वेश्चन देखो भी, ठीक है? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये रूट के अंदर देखो एक्स इंटू एक्स प्लस फाइव है, दो के लिए एक बार निकलेगा ना, तो एक्स प्लस फाइव, तो ये तो पॉलिनोमियल है, इज अ पॉलिनोमियल। ठीक है ना, जरूरी नहीं है कि जैसा दिख रहा है वैसा ही होगा, ठीक है? वो हो सकता है कि पॉलिनोमियल हो जाए। देखो और भी एग्जांपल देखते हैं, अभी तो नॉट वाला देखे ना। देखो कैसे और पॉलिनोमियल पता कर सकते हैं, ध्यान से देखो। जैसे लिखा हुआ है क्या, एक्स का पावर थ्री प्लस वन बाई एक्स का पावर माइनस टू है कि नहीं पॉलिनोमियल? पॉलिनोमियल है सर। कौन कौन बोल रहा है, कौन कौन बोल रहा है नहीं है? होगा होगा सर, नहीं है सर, है तो प्लस हो जाएगा ना सर, है सर, पॉलिनोमियल। यस सर। ठीक है, आपका नाम क्या हुआ? सत्यम कुमार। सत्यम, तो यहाँ पर ध्यान से देखो, ये पॉलिनोमियल है, बिल्कुल है। कैसे है? क्योंकि x का पावर क्यूब है और यहाँ पर जब x का पावर माइनस टू है ऊपर जाएगा तो पॉजिटिव तो प्लस हो जाएगा, पॉलिनोमियल है ना? यस सर, बिल्कुल है। तो इसी तरीके से पहले चेक करेंगे, ऐसे ही नहीं बोल देंगे कि है या नहीं है, पहले उसको देखेंगे, ठीक है ना? अगर उसका फॉर्म को बदला जा सकता है तो बदल के देखेंगे। समझ रहा है बात को सबको? चलिए, वेरी गुड। तो इसको नोट डाउन करिए, जो जो पॉलिनोमियल है उस पर लिख लेना, जो जो नहीं है। अच्छा, इससे एक बात और, जो अभी तक डेफिनेशन देखे थे ना हम लोग, उसमें एक लाइन ऐड कर लेना डेफिनेशन में। डेफिनेशन में हम लोग लिखे क्या कि पॉलिनोमियल क्या होगा, पॉलिनोमियल इन एक्स ऑफ पावर एन, है ना? तो हम लोग वहां पे लिखे थे कि ए का पावर एन जो है वो जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। वहां एक बात और ऐड कर लेना कि एन शुड बी अ नॉन नेगेटिव इंटीजर, है ना? एन एक नॉन नेगेटिव इंटीजर होना चाहिए, मतलब क्या कि वन हो जाए, टू हो जाए, थ्री हो जाए, ऐसे ऐसे करके नॉन नेगेटिव इंटीजर होना चाहिए। एक लाइन ऐड कर लेना डेफिनेशन में कि n शुड बी अ नॉन नेगेटिव इंटीजर। चलिए नोट करिएगा जल्दी से इसको। तो ये पॉलिनोमियल हो गया, और ये क्या है, नॉट ए पॉलिनोमियल। ये सब लिख लेना सर, आपका पूरा ब्लर आ रहा है। बोलो क्या दिक्कत है सर? एक क्वेश्चन है सर। बोलिए सर, वाई स्क्वायर प्लस रूट टू वाई रूट अंडर टू वाई। अच्छा रुक जाओ, पहले हम इसको हटाते हैं ना, फिर सबका हो गया कॉपी? ब्लर आ रहा सर। यस सर, हो गया। यस सर, यस सर, यस सर। ठीक है देखो। हाँ अब बोलो क्या था क्वेश्चन तुम्हारा? सर वाई स्क्वायर प्लस रूट अंडर टू वाई। वाई स्क्वायर प्लस रूट अंडर टू वाई। वाई सर, वाई टू के साथ है, रूट के अंदर है। यस सर। माइनस माइनस रूट अंडर फाइव। रूट अंडर फाइव। यस सर। नॉट पॉलिनोमियल है सर। सर कहिए, नॉट ए पॉलिनोमियल। यस सर। लेकिन आंसर सर लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है सर? ये पॉलिनोमियल है। ये तो जगह पर है, स्क्वायर लिखा होगा, ठीक से देखो। 1/2 आ जाएगा ना इसको।
क्या हो जाएगा सर, रूट को हटाएंगे तो पावर वन बाई टू आ जाएगा, तो फ्रैक्शन में आ जाएगा, तो कहाँ से पॉलीनोमियल होगा? वहां पर देखो जो लिखा होगा ना, ये तुम्हारा जो है ना यहाँ पे टू लिखा होगा या फिर इसको बाहर में लिखा होगा? नो सर, क्वेश्चन तो वैसा ही है। कौन सा बुक से बोलिए सर? एनसीईआरटी का साइट है। एनसीईआरटी में लिखा हुआ है? यस सर। एनसीईआरटी में कौन सा पेज नंबर? सर पेज नंबर 49। एनसीईआरटी अभी मेरे पास अवेलेबल नहीं है, हम अच्छा देख लेंगे इसको, नेक्स्ट क्लास में हमको याद दिला देना एक बार। लेकिन ये पॉलीनोमियल नहीं है, हो सकता है प्रिंटिंग मिस्टेक हुआ हो या कुछ भी, लेकिन ये पॉलीनोमियल नहीं, क्योंकि फ्रैक्शन में आ गया ना ये, तो यहां पे पॉलीनोमियल नहीं। सर यहां कुछ लिखा भी है, क्या पढ़िए? Why this is an expression having only one non-negative integral power of y. So both of these are not polynomial. So it is a polynomial. एक सेकेंड वेट करना तुम। अच्छा ठीक है, इस पे बात करेंगे हम लोग, इसको फिलहाल हम देख लेते हैं, ठीक है ना? Yes sir. ऐसे ही polynomial नहीं होना चाहिए, लेकिन NCERT में क्या लिखा हुआ है वो देख लेंगे, उसके बाद फिर इस पे बात करेंगे, ठीक है? Yes sir. पहले एनसीईआरटी में देख लेंगे, उसके बाद फिर बात करेंगे। ऐसे कुछ बोलना क्या लिखा हुआ एनसीईआरटी में पहले उसको देखना पड़ेगा। चलिए, इसमें और किसी को कोई दिक्कत है अभी तक जो हम लोग देखे? नो सर। नहीं ना? नहीं सर। चलो आगे देखते हैं। तो देखो हम लोग क्या देख लिए कि कब पॉलीनोमियल नहीं होगा, ठीक है ना, वो हम लोग देख लिए। तो देखो उसके बाद हम लोग फिर बात करते हैं। अब जरा सा ध्यान से देखिएगा, तो हम लोग पॉलीनोमियल की किसके बात करेंगे? डिग्री के हिसाब से। हम लोग डिग्री समझ चुके हैं, तो ठीक है ना, हम लोग देखने जा रहे हैं क्या पॉलीनोमियल अलग अलग डिग्री का। तो लिखते हैं क्या पॉलीनोमियल विथ वेरियस डिग्री। अब देखो यहाँ पर पॉलीनोमियल विद वेरियस डिग्री लिखने का मतलब है क्या, बस हम लोग को इसका नेम करना है, नेमिंग करना है। तो नेमिंग कैसे होगा, तो यहाँ पर अगर आप देखिएगा क्या, मान लीजिए पहले आता है लीनियर पॉलीनोमियल, ठीक है ना, लीनियर पॉलीनोमियल। देखो इससे ज्यादा हम लोग टाइम बर्बाद नहीं करेंगे। लीनियर पॉलीनोमियल बात से तुमको स्पष्ट हो रहा है कि लीनियर का मतलब क्या होता है, वन। तो यहाँ पे क्या होगा, जिस पॉलीनोमियल का डिग्री वन होगा, पॉलीनोमियल विथ डिग्री वन, है ना, जिस पॉलीनोमियल का डिग्री वन होगा वो क्या कहलाएगा, लीनियर पॉलीनोमियल कहलाएगा। एग्जाम्पल में बात कर लेते हैं, जैसे कि क्या हो जाएगा 2x, है ना, root 5x, है ना, फिर क्या हो जाएगा 7x। ये सब तुम्हारा कुछ एग्जाम्पल होगा लीनियर पॉलीनोमियल का, ठीक है। इसके बाद अगर आप बात करेंगे तो फिर आता है क्या, क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल। देखो क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल का बात क्या, कि जिस पॉलीनोमियल का डिग्री कितना हो, टू हो, पॉलीनोमियल विथ हाईएस्ट डिग्री। यहां पर भी एक वर्ड याद कर लगा लेना, हाईएस्ट, हाईएस्ट, हाईएस्ट डिग्री टू। जिस पॉलीनोमियल का हाईएस्ट डिग्री टू हो वो क्या कहलाएगा, क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल। एग्जांपल 2x² + 5 √7x² + 9 या फिर आपके पास x², ये सब क्या कहलाएगा तुम्हारे पास, क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल। उसके बाद आता है क्या आपके पास, क्यूबिक पॉलीनोमियल। क्यूबिक पॉलीनोमियल इसमें क्या होगा, पॉलीनोमियल विथ पावर थ्री, क्या पावर थ्री हो जाएगा। हाँ वेरी गुड, हाईएस्ट डिग्री कितना हो जाएगा, थ्री। एग्जांपल 3x² + 5x + 9, 3x² + 2 7x³ +3x² + 9x + 3, इस तरीके का कुछ एग्जाम्पल होगा।
और देखो हम लोग यहाँ पर क्यूबिक पॉलिनोमियल तक से काम हम लोग का चल जाएगा, ठीक है ना। लास्ट में आपके पास हम लोग के पास एक पॉलिनोमियल आ जाता है क्या, बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। हम लोग का तीन तक में काम चल जाता है, लेकिन कहीं कहीं चार का भी जरूरत पड़ सकता है, तो उसके लिए देख के रख लो। तो बाई क्वाड्रेटिक का पॉलिनोमियल क्या होगा, पॉलिनोमियल विथ हाईएस्ट डिग्री कितना, फोर। एग्जांपल में अगर हम लोग बात कर ले तो क्या हो जाएगा, 7x का पावर 4 प्लस 3x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 2, ठीक है ना। और एग्जांपल 7x का पावर 4 प्लस 3 एक्सेट्रा, इस तरीके से बहुत सारे एग्जांपल हो सकता है। जल्दी से इसको नोट करेंगे। सर कंप्लीटेड हो गया सर। हो गया सर? यस सर। चलिए इसमें तो किसी को कोई दिक्कत नहीं होगा? नो सर। चलिए आगे देखो बात करते हैं हम लोग क्या, तो देखो हम लोग के पास आता है इसके बाद, देखो यहाँ पर हम लोग पॉलिनोमियल के हिसाब से बात कर लिए, पावर के हिसाब से। अब देखो टर्म के हिसाब से बात होगा पॉलिनोमियल का, है ना। तो यहाँ पे डिग्री को चेंज करके क्या लिखते हैं, टर्म्स। तो देखो देखो अगर हम लोग बात करें वन डिग्री वन टर्म किसी पॉलिनोमियल का, अगर एक ही टर्म है तो उसका नाम होता है क्या, मोनोमियल। देखो मोनो मीन्स होता है सिंगल, है ना। आप लोग साइंस में पढ़े हैं मोनोकोट डाइकोट, है ना, सीड्स के बारे में। तो मोनो का मतलब होता है सिंगल, तो अगर किसी पॉलिनोमियल में एक टर्म होगा तो उसको मोनोमियल कहा जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल विथ वन टर्म, या फिर क्या बोल सकते हैं आप, सिंगल टर्म। एग्जाम्पल अगर हम लोग बात करें तो देखो 2x स्क्वायर क्यूब या फिर 9x या फिर आपके पास 3x स्क्वायर, ऐसे ऐसे करके बहुत सारे एक्सेट्रा एग्जाम्पल इसका हो सकता है, ठीक है ना। इसमें आप क्या कर सकते हैं, कांस्टेंट को भी लिखना चाहे तो कांस्टेंट भी लिख सकते हैं, जैसे कि देखो 9 हो गया 7 हो गया, ऐसे ऐसे करके भी लिख सकते हैं। अब देखो यहाँ पे 9 और 7 लिख रहे ना, तो इससे एक और नया चीज जानने को मिला, इसको भी पॉलिनोमियल बोला जा रहा है, ठीक है ना। तो इसको देखो कॉन्स्टेंट पॉलिनोमियल कहा जाता है, उसके बारे में भी आगे हम लोग बात करेंगे। दूसरा देखो आता है क्या, मोनोमियल के बाद आता है आपके पास बाइनोमियल। बाइनोमियल हाँ बोलिए सर। बोले 9x प्लस 3x स्क्वायर के बीच में आप प्लस दे दिए, क्या कर दिए हैं, अच्छा ये प्लस दे दिए हैं, हटा दो। तो बाइनोमियल तो ये कितना हो जाएगा, पॉलिनोमियल विथ टू टर्म, पॉलिनोमियल विथ टू टर्म। जिस पॉलिनोमियल में दो टर्म होगा उसको क्या कहा जाएगा, बाइनोमियल। एग्जांपल अगर देखा जाए तो देखो 5, 9 ऐसे तरीके बहुत सारे एग्जांपल हो सकते हैं। तीसरा अगर हम लोग बात कर रहे हैं तो ट्राइनोमियल, ट्राइनोमियल इसमें कितना होता है, तो ये आपके पास पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल विथ थ्री टर्म। एग्जाम्पल के लिए देखते हैं
तो ये सब इसका एग्जांपल। देखो एक चीज और बताते हैं, तीन में ही काम चल जाता है, तीन से ज्यादा पूछा नहीं जाता है, ठीक है ना। लेकिन एक तो देख लो जानने के लिए, आपके पास देखिए ट्राइनोमियल तक आपको हर जगह मिलेगा। एक होता है क्या है, क्वाड्रिनोमियल, ठीक है ना। और क्वाड्रिनोमियल के बाद जितना भी टर्म होगा तो उसको फिफ्थ टर्म पॉलिनोमियल, छह टर्म होगा तो सिक्स टर्म पॉलिनोमियल, ऐसे नाम से जितना टर्म होगा उसके नाम से बोला जाएगा। बस यहाँ तक होता है पॉलिनोमियल विद फोर टर्म। बुक में भी देखना तो थ्री टर्म तक मिलेगा। तो फोर टर्म पॉलिनोमियल के नाम से जानते हैं। इसमें क्या होगा, तुम्हारे पास नंबर ऑफ टर्म्स का संख्या जो है वो चार होगा। ठीक है ना, तो ये सब तुम्हारे एग्जाम्पल है। और भी एग्जाम्पल हो सकता है बहुत सारा। ये सब तुम्हारे पास क्या है, एग्जाम्पल है। तो जल्दी से इसको नोट करेंगे। ये एनसीईआरटी का किस पेज में लिखा हुआ था, ये वाई स्क्वायर वाला जो बोला था जो स्टूडेंट, ये कौन सा पेज में एनसीईआरटी के? सर 49। 49 सर एग्जाम्पल है। 49 पेज में? यस सर। अच्छा ठीक, जल्दी से नोट करिए। सर इसमें वाई बाहर में है सर, टू का बाहर है वाई। वाई बाहर, बाहर में है ना? यस सर, यस सर। वही ना हम लोग बात कर रहे थे, आप बोल रहे हैं कि अंदर में है, जब तुम तो अंदर में बता रहा है। क्लियर हो गया ना? क्लियर हो गया? यस सर। चलो सर हो गया? हो गया सबका? हो गया सर। यस सर। चलो आगे यहाँ से देखो, बस दो चीज बदला बचा हुआ है, उसके बाद आपके पास एक्सरसाइज आपका बनना शुरू हो जाएगा आपसे, ठीक है ना। देखो इसके बाद हम लोग के पास क्या आ जाता है, तो हम लोग के पास आता है कांस्टेंट पॉलिनोमियल, ठीक है ना। कांस्टेंट पॉलिनोमियल देखो, कांस्टेंट पॉलिनोमियल कब होगा, जैसे मान लो लिख दिया गया क्या तुम्हारे पास 9, ठीक है ना, या तुम्हारे पास लिख दिया गया देखो 7, ठीक है। इसमें कर क्या सकता था, ध्यान से देखो, x लिख सकते हैं ना इसके साथ x का पावर 0, और इसको देखो 7 इंटू x का पावर 0 लिख सकते हैं। तो यहाँ पर देखो x का पावर 0 करिएगा तो ये 1 हो जाएगा, है ना। तो देखो 9 और 7 मतलब क्या, इस पॉलिनोमियल में x का अगर डिग्री पूछा जाए तो x का डिग्री कितना हो जाएगा, 0, है ना, 0 हो जाएगा, ठीक है। लेकिन ऐसा देखो लिख मत देना, लिखना नहीं, तो आपके पास आप बोल सकते हैं क्या कि पॉलिनोमियल में एक ही टर्म होगा और वो कांस्टेंट टर्म होगा, तो उसको हम लोग कैसा पॉलिनोमियल बोलेंगे, तो उसको कांस्टेंट पॉलिनोमियल बोलेंगे। आप पॉलिनोमियल नॉन जीरो नॉन जीरो कॉन्स्टेंट टर्म इन अ पॉलिनोमियल इज कॉल्ड अ कॉन्स्टेंट पॉलिनोमियल। नॉन जीरो कॉन्स्टेंट टर्म होगा तो हम लोग क्या बोल सकते हैं उसको,
कांस्टेंट पॉलिनोमियल बोल सकते हैं, ठीक है ना। चलिए इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, एग्जांपल भी लिख लीजिएगा, इसमें इसमें कोई ज्यादा बात नहीं था। जीरो पॉलिनोमियल भी देख लो, जीरो पॉलिनोमियल। जीरो पॉलिनोमियल हम लोग किसको बोलेंगे जिसमें कितना टर्म हो, वन टर्म हो, है ना, वन ही एक ही टर्म होना चाहिए, और क्या होना चाहिए, वो जीरो होना चाहिए, है ना, उसको जीरो पॉलिनोमियल कहा जाएगा। अब पॉलिनोमियल पॉलिनोमियल विथ वन टर्म दैट इज जीरो इज कॉल्ड अ जीरो पॉलिनोमियल। एक ही टर्म होना चाहिए और क्या होना चाहिए, जीरो। इसमें भी देखो एक ही टर्म होना चाहिए, नॉन जीरो सिंगल, यहां पे ऐड कर लेना एक वर्ड, सिंगल कांस्टेंट टर्म, है ना। इसमें नॉन जीरो क्या होना चाहिए, सिंगल कांस्टेंट टर्म, और इसका क्या हो जाएगा देखो तो जीरो, है ना, जीरो जीरो पॉलिनोमियल है। तो ये सब तुम्हारे पास कांस्टेंट पॉलिनोमियल और जीरो पॉलिनोमियल। अब अगर डिग्री का बात किया जाए ना, तो देखो इसका तो आप बोल सकते हैं क्या, x का डिग्री कितना हो जाएगा, जीरो बोल सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन अगर बात किया जाए तो इसके डिग्री के बारे में, तो इसका डिग्री देखो आप लोग 11th में पढ़ेंगे लिमिट्स में, कि ये आपके पास क्या होता है, देखो x का पावर अगर जीरो लिखते हैं ना तो ये नॉट डिफाइंड हो जाता है, ठीक है ना। तो इसलिए आप इसका क्या करेंगे, डिग्री जो होता है नोट में लिख लेना, नोट डिग्री ऑफ ए जीरो पॉलिनोमियल इज नॉट डिफाइंड। जीरो पॉलिनोमियल का डिग्री क्या होता है, नॉट डिफाइंड। और इसका उसी हिसाब से बताओ इसका डिग्री तब क्या हो जाएगा, तो इसका डिग्री कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा ना। नॉन जीरो लगाना, नॉन जीरो, नॉन जीरो। बार बार नॉन जीरो क्यों बोला जा रहा है, अगर नॉन जीरो नहीं हुआ और जीरो हो गया तब तो वो जीरो पॉलिनोमियल में चला जाएगा, तो काम खत्म हो जाएगा ना। है ना, इसका आपके पास डिग्री ऑफ नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल इज जीरो। अभी दिखा दिया ना, देखो इसका डिग्री जीरो है, देखो इसका डिग्री क्या है, जीरो है। और यहाँ पर ही बता दिए ना कि अगर आपके पास क्या हो जाए, जीरो का पावर जीरो हो जाए तो ये नॉट डिफाइंड हो जाता है ना। इसके बारे में आप 11 में पढ़ेंगे, तो जल्दी से नोट करिएगा, और कोई डाउट है तो बोलिए। अब हम लोग ओवर करेंगे क्लास को, पहला एक्सरसाइज तुमसे बन जाएगा। हो गया सर। चलो देखिए। अच्छा इसमें देखो पहला एक्सरसाइज बन जाएगा, पहला एक्सरसाइज में एक और बात आएगा कोएफिशिएंट के बारे में। मान लो एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एक्स प्लस नाइन लिखा हुआ है, अब आपसे पूछेगा यहाँ पे बताइए कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है। तो देखो कोएफिशिएंट का मतलब होता है क्या, एक्स स्क्वायर के आगे क्या लगा हुआ है वही उसका कोएफिशिएंट हो जाता है। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर के आगे वन लिखा हुआ है, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट कितना हो जाएगा, वन। तो ये आपसे पहला एक्सरसाइज में ये सब पूछा गया था, क्या होता है कोएफिशिएंट, इसका क्या होगा, होगा। तो यही सब आपसे पहला एक्सरसाइज में पूछा हुआ है, वो सब तुमसे बन जाएगा, ठीक है ना।
जैसे कि देखो एक क्वेश्चन देते हैं, आपको बताना है, बताइएगा। इसमें तुमको देखो कुछ कुछ क्वेश्चन लिख रहे हैं, इसमें बताना है कि कौन सा इसमें पॉलिनोमियल है, और अगर पॉलिनोमियल है तो उसका क्या तुम्हारे पास डिग्री कितना है, हाईएस्ट डिग्री क्या है, ठीक है ना। एक और लिखते हैं, चलिए बताइए इसमें कौन कौन पॉलिनोमियल है और उसका डिग्री क्या क्या है। सर फर्स्ट वाला है पॉलिनोमियल, फर्स्ट वाला पॉलिनोमियल है। यस सर। इसका डिग्री थ्री, ठीक है, पॉलिनोमियल है, डिग्री हो गया क्या थ्री। चलिए और बताइए सेकंड, सर पॉलिनोमियल है, सर पॉलिनोमियल है और डिग्री सर फाइव, फाइव है सर, पॉलिनोमियल है, डिग्री सर फाइव, डिग्री फाइव है। चलो ठीक है, थर्ड बताओ। थर्ड के बारे में बताओ जल्दी से। नो सर नहीं है, नहीं है, आप लोग नहीं है, और कॉल पूछे जाएंगे। जल्दी से ओवर करेंगे हम लोग। देखो चलो इतना टाइम नहीं लगना चाहिए था, ये पॉलिनोमियल नहीं है क्योंकि देखो ये तो रूट के बाहर निकल जाएगा लेकिन ये नहीं निकल पाएगा, तो ये पॉलिनोमियल नहीं है, तो आपके पास क्या आ गया, नॉट ए पॉलिनोमियल, यही आपके पास आंसर था। अगले क्लास में फिर हम लोग देखेंगे इसका जीरोस कैसे निकाला जाता है और इसका डिवीजन करने का मेथड क्या है, ठीक है ना। तब तक के लिए आप लोग क्या होगा, पहला एक्सरसाइज बनाएंगे इससे भी और एनसीईआरटी से भी। चलिए और किसी को कोई डाउट है यहाँ तक में? नो सर, नो सर। चलिए ठीक है, हम लोग नेक्स्ट क्लास में